वेलकम टू माय चैनल शिवप्रकाश क्लासेज। शिवप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो लगातार परीक्षा में अनवरत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आपका ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण, बी है ताप संरक्षण, सी है कार्य संरक्षण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? यानी प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आपका ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य तरंग, बी है अनुप्रस्थ तरंग, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? यानी ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? आपका ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, बी है अनुदैर्ध्य तरंग, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे? यानी महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे? आपका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है जर्मनी, सी है ग्रीस, डी है अमेरिका। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्रीस। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत होती है? प्रश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत होती है? तो आपका ऑप्शन ए है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, आपका ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, आपका ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से कम, आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रश्रव्य ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो इसे श्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। अगर ऑप्शन सी की बात करें इसे अपश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। अगर श्रव्य ध्वनियाँ की बात करें तो इसकी आवृत 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन्हें मनुष्य सुन सकता है, श्रव्य ध्वनियों को मनुष्य सुन सकता है। अगर प्रश्रव्य की बात करें तो इन्हें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जैसे सुन सकते हैं। अश्रव्य ध्वनियों की बात करें तो इसकी आवृत 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो आज के सेशन का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? यानी ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? आपका ऑप्शन ए है वायु, बी है इस्पात, सी है जल, डी है निर्वात। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो इस्पात में होती है। अगर ऑप्शन ए की बात करें वायु, इसमें ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो जल, इनमें ध्वनि की चाल, अगर शुद्ध जल की बात करें तो 1435 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर खारा जल, नमकीन जल की बात करें तो 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर निर्वात की बात करें तो ध्वनि इससे नहीं गुजर सकती है, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरती है। और प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समुद्र में प्लोन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? यानी समुद्र में प्लोन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? आपका ऑप्शन ए है 1/9, आपका ऑप्शन बी है 1/10, आपका ऑप्शन सी है 1/6, आपका ऑप्शन डी है 1/5।
तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग समुद्री सतह के ऊपर रहता है। अगर यही नीचे की बात करें तो 9/10 रहता है, यानी ऊपर 1/10 नीचे 9/10। तो आइए आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पिन से स्याही निकलने लगती है, यानी हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। आपका ऑप्शन ए है वायु दाब में कमी के कारण, आपका ऑप्शन बी है वायु दाब में वृद्धि के कारण, आपका ऑप्शन सी है स्याही में आयतन की वृद्धि के कारण, आपका ऑप्शन डी है अत्यधिक भार के कारण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वायु दाब की कमी के कारण। तो आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी प्रकाश की गति कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए है 9×10^2 मीटर प्रति सेकंड, आपका ऑप्शन बी है 3×10^11 मीटर प्रति सेकंड, आपका ऑप्शन सी है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, आपका ऑप्शन डी है 2×10^4 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रकाश की गति 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है जब, ऑप्शन ए है आपका चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है, यानी सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में आता है, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में आता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 11 है, मोटर कार में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी मोटर कार में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। आपका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोटर कार में पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन ए है वास्तविक तथा उल्टा, आपका ऑप्शन बी है वास्तविक तथा सीधा, आपका ऑप्शन सी है आभासी तथा उल्टा, आपका ऑप्शन डी है आभासी तथा सीधा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, यानी प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है वेग द्वारा, बी है तरंगदैर्ध्य द्वारा, सी है आवृत्ति द्वारा, डी है आयाम द्वारा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तरंगदैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तरंगदैर्ध्य द्वारा। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आयरिस का क्या काम होता है, यानी आयरिस का क्या काम होता है। आपका ऑप्शन ए है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आपका ऑप्शन बी है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाना, आपका ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आयरिस का काम होता है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, यानी घरों में जो पंखे बल्ब लगे होते हैं यह किस क्रम में लगे होते हैं। आपका ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, आपका ऑप्शन बी है समांतर क्रम में, आपका ऑप्शन सी है मिश्रित क्रम में,
आपका ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी घरों में लगे पंखे बल्ब समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, यानी एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। आपका ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है रासायनिक ऊर्जा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रासायनिक ऊर्जा। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है। आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपका ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, आपका ऑप्शन डी है आसुजल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है गैल्वेनाइजेशन, बी है आयनन, सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है तो नाभिकीय विखंडन पर। अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो यही नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है, यानी टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है। आपका ऑप्शन ए है जॉनसन, बी है जे एल बेयर्ड, सी है डब्ल्यू के रंजन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है, तो जे एल बेयर्ड ने किया है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं तो शिवप्रकाश क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लगे सबसे जल्दी पहुंचे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड।